देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बोखारा गांव में एक दलित परिवार से आने वाली बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रमिला नरवाड़े ने बताया कि ग्राम पंचायत बोखारा के सदस्य और दोनों भाई की साठ गांठ से नकली दस्तावेज बनाने का पर्दाफाश पीड़िता ने किया और जमीन हथियाने की भी कोशिश की गई। आइए देखते हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 की एक खास रिपोर्ट। स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज पर बात करते हुए प्रमिला नरवाड़े ने बताया कि मुझे मारने की धमकी भी मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूँ आपके साथ नितिन बागड़े। बोखारा ग्राम पंचायत स्थित एक दलित महिला परिवार से आते हैं जिनका नाम है प्रमिला नरवाड़े। कुछ लोग यहां गांव के इन प्रमिला नरवाड़े का मकान हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आए दिन यहां खाली जगह पे कुछ लोग आकर दारू शराब पीकर यहां हंगामा करते हैं और प्रमिला नरवाड़े को परेशान करते हैं। वारदात को पूरी तरह से जानने के लिए हम यहाँ प्रमिला नरवाड़े के मकान के पास स्थित मकान में आइए जानते हैं मसला किस तरह से जो यहाँ बोखरा स्थित के जो लोग इस घर को इस मकान को जो अपने हस्तक्षेप में लाने के लिए किस तरह से अंजाम देते हैं। जो मकान है, मकान छीनने के लिए कौन कौन यहाँ आ रहे, क्या नाम है उनका? चतुर, गोपाल, रुतेश पाटिल, चंद्रकांत आवड़े, तो भूरिया। मेरे पास में टैक्स पावती है मेरे पास में। ये देखिए, ये जो रसीद आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रसीद है ये प्रमिला नरवाड़े के मकान की रसीद है, जो कि ये रसीद रहने के बाद में यहाँ बोकारा स्थित के कुछ लोग हैं जो इनका मकान हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने इस प्रकरण के लिए पुलिस में गए थे इनकी रिपोर्ट दर्ज कराने? हाँ, पुलिस में गए थे, कंप्लेंट डाले थे। वो लोग ने बोले कि यह ग्राम पंचायत का मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कितने सालों से आप ये मकान में रह रहे हैं? आप ये जगह आपकी जो मालिकाना हक की जो जगह है, ये कितने सालों से? 40 साल हो गए ये जगह को, 40 साल हो गए। चतुर जगह विकते, आबादीची जगह चतुर विकते, त्याच्या भाऊ मेंबर राहून सनी नकली टॅक्स पावतो बनवते। तो मी ह्या जगाबद्दल सरपंचाकडे गेली, सरपंच म्हणते का जसं चालते तसं चालू दे, आम्ही काही करू शकत नाही याच्यामध्ये। मी परेशान होऊन गेली ह्या लोकांच्या पायी, मला परेशान करून राहिले हे लोक। मी रांडी मुंडी बाई आहो, हातावर अंतर पाणावर काढतो, मा बोलणेवाला कोणी नाही। माझी मागणी हे आहे की मी 40 वर्षापासून सल्यानी हे जागा सांभाळून सांभाळून ठेवली आणि ह्या जागेवर मी राहून राहिलो, तर हे लोकांनी मी कशी देऊ जागा? आणि हे खोटी कामं करून राहिली आहे, मायावर दबका टाकून राहिले आहे, दारू पिऊन सन्यानी मारायची धमकी देऊन राहिले मले, तर मी आपली जागा त्याला कशी देणार? मी म्हणतो ना माझा जीव भी गेला तर चालन, मी जागा देत नाही त्याले। हो, मी जागा देत नाही, त्याने धमकी दिली मले मारून टाकतील ते, आणि कम जास्त माझ्या जीवाने झाले, जिम्मेदार ते राहतील माझे। जिस तरह की बोखारा ग्राम पंचायत की ओर से धांधली की जा रही, एक महिला जो लाचार जिनके पति ने वो अकेली यहाँ रह रही है, लेकिन अगर ये मदद की गुहार अगर लगाए तो लगाए कहा, एक दलित परिवार से आने वाली महिला को हरासमेंट किया जा रहा है, चारों ओर से उनको धमकियां मिल रही है, वो ये महिला जाए तो जाए कहा। कैमरा पर्सन मुकुंद के साथ स्टार इंडिया न्यूज 19 बोखारा। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।